और यहाँ पे एक LG की 4 बटन की PCB है और ये डेड के लिए आई है। तो देखते हैं इसमें पावर कहाँ पे लगाएंगे। तो वो देखने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रख लेते हैं और ये ट्रांसफार्मर का ही वाइंडिंग रहेगा जिधर भी रहेगा, ये बिल्कुल मैं बेसिक की बात बता रहा हूँ, तो इसमें ही रहेगा, ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर के पास में रहता है और जिधर आपको ये दिखे तो ये समझ लीजिए कि उसी के आसपास की, क्योंकि ये जैसे ही इंटर होती है सप्लाई ये तुरंत लगा होता है न्यूट्रल और फेज पे। तो एक पॉइंट ये हो सकती है और एक ये हो सकती है, तो यह नहीं है, यह भी नहीं है, तो इसमें देख लेते हैं तो यही दोनों है सप्लाई के। तो हम इसमें अपनी सप्लाई की वायर लगा देते हैं। फिर ऑन करेंगे, कोई आवाज़ कोई हलचल नहीं होगी। तो जब भी डेड रहेगा तो यही कंडीशन होगी। तो फिर कैसे पता करेंगे कि ये सप्लाई परफेक्ट है कि नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट बनेगा, 12 वोल्ट से 5 वोल्ट रेगुलेट होकर के यहाँ से निकलता है इस तरफ से और माइक्रो कंट्रोलर फिर चलाता है। लेकिन उससे पहले हम कई तरीके से चेक कर सकते हैं। तो इसमें डोर स्विच, आपको मालूम है कि डोर स्विच इंटरनली रहता है यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं ये वाले पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे नंगा नहीं है, बिल्कुल पैक है, तो ये डायरेक्ट शॉर्ट किया हुआ है। तो प्रेशर सेंसर पे सप्लाई रहनी चाहिए, तो हम प्रेशर सेंसर पे सप्लाई चेक करेंगे। एक ऐसे, सिर्फ मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप अगर कर रहे हैं उसके लिए। तो हमारा प्रेशर सेंसर का यहाँ पे देखिए, हमारी सप्लाई 2.4 एक तरफ बन रही है और दूसरी तरफ भी उतना ही बन रही है। तो हमारा एक प्रेशर सेंसर की पॉइंट है, यानी हमारी सप्लाई बन रही है। अब इसके बाद हमारा जो पहला ध्यान रहेगा वो माइक्रो कंट्रोलर का जो सिस्टम है, अगर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यही तो कमांड देता है, जो भी यह ऑफ ऑन करना है यही करेगा। तो अभी हमको ये देखना पड़ेगा कि ये तो ख़राब नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो क्रिस्टल होती है, जो फ्रीक्वेंसी इसको मैच कराई रहती है, अगर ये बराबर नहीं काम करेगा तो ये किसी काम का नहीं, माइक्रो कंट्रोलर डेड ही कंडीशन शो करता है। तो सबसे पहले हम इसको कुरेद लेते हैं। और इतना भी तेज़ी से न कूड़े दें, क्योंकि आसपास में अगर कोई रेजिस्टेंस या कोई डायोड वगैरह रहेगा तो समस्या हो सकती है। इसी PCB की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी PCB की बात, सब में ये लागू होता है। क्योंकि मैं देखा हूँ अभी वीडियो देख करके बहुत से लोग, अभी देखिए यहाँ पे एक लगा हुआ है छोटा सा कैपेसिटर है और यहाँ पे जो है इसके पास में ही बिल्कुल एक रेजिस्टेंस है, और अगर जो ज़्यादा कुछ करेंगे तेज़ी से तो ये उखड़ जाएगा यानी टूट जाएगा। और एक चीज़ तो मैं देख लिया हूँ कि आप सफाई से काम करेंगे तो बहुत से लोग आपके काम पे शक करेंगे, ये कन्फर्म है, सही बात है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ जब भी मैं कंप्लीट करके दे देता हूँ बहुत कम से बिल्कुल, मतलब ये ना उखाड़ा जाए तो वहाँ पे लोग शक करने लगते हैं और शक करके बोलते हैं कि इसमें रिपेयरिंग हुई ही नहीं है।
तो कोशिश करिए कि पूरा उखाड़ डालिए तब उनको लगेगा कि हाँ अभी बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे एक तरफ 0.3 है और दूसरे तरफ भी 0.3 है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ सप्लाई हमें एक्सेस एक्स्ट्रा होनी चाहिए, तो हम पहले इसको कुरेदेंगे। अब हमारी मजबूरी बन रही है कि हमें इसे कुरेदना पड़ेगा हर हालत में। तो कुरेदने से अच्छा है कि इसको उखाड़ लेते हैं, तो मैं उखाड़ूंगा इसको अभी। तो एक चीज़ तो मैं देखा हूँ कि अगर आप अलग ढंग से, कहते हैं ना कि समाज में अगर जो कोई अलग ढंग से कुछ काम करेगा ना, तो उसको गलत लोग बोलने लगते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग उखाड़ के ही करते हैं, तो हम अगर जो कम से कम स्पेस में अगर हम पहले ही इसको सर्च कर लिए कि हमारी समस्या कहाँ पे है, और उतना ही अगर हम रिपेयर करेंगे, तो ये होगा कि कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं था, ऐसे ही कुरेद करके रखा हुआ है। ये बात पहले भी हो चुकी है, तो यही होता है। तो जब सब लोग ऐसे रहेंगे और आप अलग ढंग से करोगे, तो आपको गलत साबित कर देंगे। तो हमें क्या साबित करेंगे, हमारी तो जो काम करने का तरीका है वही है, लेकिन जिनका मैं काम करता हूँ, जिनके लिए करता हूँ, अभी कल की ऐसे ही कुछ एक पीसीबी थी, उसमें मैंने सब काम कर दिया। और एक उसमें आपको मालूम होगी, उसका कुछ लेना देना नहीं रहता है, बहुत से ऐसे पार्ट होते हैं। तो ये हुआ कि कस्टमर की डिमांड है कि इसे भी बदला जाए। कस्टमर रब बताएगा मुझे कि आपको इस तरह से रिपेयर करना है, तो मैं बोला कि अच्छी बात है, कुछ तो कस्टमर ने बताया, चलिए बहुत बढ़िया। जी, वो जो अपन जैसे पावर बंद करके भी बेल्ट के साथ में मोटर इसको ड्रम को घुमाएगा ना, उसमें भी बंद कर देता हूँ, नहीं तो हाँ कट जाएगा। हाँ हाँ कट जाएगा, नुकसान होगा। तो एक बार हम फिर वही पावर चेक करेंगे, क्योंकि बिना पावर चेक किए तो कुछ होगा नहीं। अगर अभी भी पावर उतना ही है, तब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी उस बोर्ड में देखना पड़ेगा। लेकिन उस बोर्ड में हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1.8 हो गया, और यहाँ पे भी 1.67 के करीब हो गया। तो हमारा ये क्रिस्टल जो है 8 का क्रिस्टल है, तो 8 का क्रिस्टल एक हम ले करके इसमें डालेंगे। और वीडियो मैं एक एक दिन रुक के डाल रहा हूँ। और दूसरा चीज़, अभी मैं वीडियो को, क्योंकि अभी देखने वाले भी अभी कम हो गए, और रियल जो बोलते हैं व्यूअर, जो देखने वाले लोग हैं, वो आप ही लोग हो जो देख रहे हो। तो इसके लिए हमें वीडियो को ज़्यादा वो करने की ज़रूरत भी नहीं, मैं समझता हूँ। तो कंटिन्यू जब भी मैं बोलूँगा, तो आप लोग को इतना ही बोल कहूँगा। क्योंकि मैं वीडियो अभी ज़्यादा ओपन और ट्रिक का ये नहीं करूँगा, क्योंकि इससे नुकसान कुछ लोगों का होगा, जो मैकेनिक हैं या आप ही का नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो फ्री में मिल जाएगी तो कोई भी इस्तेमाल करेगा। तो मैं यही कहूँगा कि मेंबरशिप लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, और मैं वीडियो एक एक करके डालते रहूँगा। तो यहाँ पे आपने देखा, तो ऐसा नहीं है, और यह भी मत समझिएगा कि सिर्फ यहीं तक। अब इसके बाद अगर यहाँ पे वोल्टेज और ड्रॉपिंग होगी, तो फिर इसके बाद दिमाग काम करना बंद कर लेगा, और इतना ही लोग रिपेयर करते हैं, इसके आगे तक नहीं जाते हैं। इसके आगे जाने का मतलब हो गया कि वो नेक्स्ट लेवल की रिपेयरिंग होगी,
और उस रिपेयरिंग करने के लिए आपको अच्छे तरह से एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो टॉप लोडिंग के लिए तो बेफिक्र रहिए, टॉप लोड में कुछ है नहीं, फ्रंट लोड में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको आएगा। तो चलिए, मुझे कुछ दूसरा भी काम करना है अभी, बीच बीच में मेरा कुछ और काम निकलते रहता है, और काम निकलते क्या रहता है, अभी इन्वर्टर की पीस भी आप मानोगे ही नहीं, इतनी ज़्यादा पड़ी है कि मेरी हालत ख़राब हो रही है। और ये सिर्फ वीडियो आप लोग का ये गैप ना पड़े, पर डे एक वीडियो मिलती रहे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना देता हूँ।